सो हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आपका भाई निक्कू और आप देख रहे हो निक्कू व्लॉग्स। सो गाइस, ये दिन आ चुका है जब हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। तो अभी भाई मैं Q&A की पोस्ट करने जा रहा हूँ, देखते हैं तुम सब भाई 3 बजे तक कितने क्वेश्चंस लिख दोगे। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पिक करेंगे और उन सबके आंसर्स देंगे। तो भाई चलो पोस्ट करता हूँ पहले। गाइज पोस्ट डाल दिया तुम्हारे भाई ने, क्वेश्चंस पूछ लो अब जल्दी जल्दी, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पिक करेंगे। अभी देखते हैं क्या क्या आएंगे। ओए यश और दिशा आए हैं मिलने। भाई मैंने ना Q&A की पोस्ट डाली है, बैठ के आराम से Q&A करूंगा। देखो कितने रह रखे हैं, सिर्फ 17 सब्सक्राइबर और। 10 सब्सक्राइबर, 9 सब्सक्राइबर और, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, अरे कर दो। गाइस 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए अपने। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है। मम्मी 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 1,00,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब वैष्णो देवी लेके जाना पड़ेगा आपको। है कब चलोगे बताओ? तेरा मन करे जब। आपको कैसा लग रहा है? मुझको बहुत अच्छा लग रहा है जी। 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए, अभी चेक कर रहे थे हम बैठे बैठे। अभी हुए। हाँ अभी हुए। पार्टी पक्की, केक कटेगा, पार्टी होगी। चाचा कहाँ तेरा? चाचा तो फिर से बालाजी चले गए। ना तो 1,000 पे था। हाँ। ना 10,000 पे था। हाँ। ना 1,00,000 पे है। हाँ गाइस ये तो है, चाचा 10,000 पे भी बालाजी गए हुए थे, 1,00,000 पे भी नहीं है। केक ले गया। अच्छा केक आपने ऑर्डर किया था, कहाँ? सो गाइज अभी केक लेने जा रहे हैं और भाई देखते हैं पापा ने कैसा केक ऑर्डर करवाया है। अजय भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। भाई धन्यवाद भाई 1,00,000 के। मेरे को धन्यवाद कर रहा है? मेरे को कर रहा है गाइज, ये मेरे को धन्यवाद कर रहा है। गाइज आज के दिन भी बारिश होनी थी तो गाइज हमने केक ले लिया है। और भाई केक मैंने भी नहीं देखा कि कैसा है, तो काटते वक्त चेक करेंगे इसको। अभी मैं केक पापा को दियाऊंगा और चीनू और चिकी को लेने चलेंगे घर से। स्नो व्हाइट, डोरेमोन, शैडो को भी देख ही आएंगे कैसे हैं। तो गाइज चलो चलते हैं। गाइज आज बारिश बहुत तगड़ी हो रही है भाई, क्या करे। यश ने कभी शैडो और अंडर को देखा नहीं है। ओ, बारिश के कारण गाइज काफी खड्डे हो रखे हैं यहाँ पे। खड्डे में गाड़ी घुस गई थी ना अभी। ए चिक्का चिक्का क्या? अच्छा एक चीज बताओ, हम पहले गए थे वॉक पे ले जाने शैडो को, डर लग रहा था वहां पे? कुछ ही देते अच्छी सी। ये भी लेके चलोगे? गोदी ले ले इसको। हाँ विक्की भाई थैंक यू यार, 1,00,000 हो गया आपके। अभी एक कमेंट कर रहा था, अभी दिखाता हूँ। हाँ जस्ट। अरे राहुल भाई थैंक यू, चल के खिलाता हूँ मैं। 5-7 दिन के अंदर हो जाएगा। भाई ने पहले भविष्यवाणी कर दी थी कब होएंगे सब्सक्राइबर। ओए 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 ओए, ये देखो गाइस मैक्स चिकू शैडो जग गया तू है। और आराम से भाई। गाइस मेरे आते ही शैडो थोड़ा ना एक्टिव हो जाता ही है। भाई सर्दी लग जाएगी शैडो, आराम से भाई सर्दी लग जाएगी। हाँ शैडो बारिश हो रही है अभी भी। बाय बाय। इन दोनों के एक वो बांध के स्केटबोर्ड ले लूं और ऐसे ज़ूम। सो गाइज अभी तुम देख लो यार, इतनी बारिश होने लग रही है ना। ये देखो शूज भी सारे गंदे हो चुके हैं। जल्दी गाड़ी में लेके जा चुकी को, भीगनी नहीं चाहिए। खोल दी गाड़ी, जाओ जाओ जाओ। निकालो 1,01,336 बुला के ला रहा है। मम्मी को ही बुला ले। 101 के सब्सक्राइबर इज कंप्लीटेड। गाना चलाऊं चिकी फिर नाचेगी? पहले मैं नाचू। अब इनका ने लड़ाई हो रही है आगे बैठने के लिए। एक काम करो दोनों बैठ जाओ ठीक है आगे। भाई कितनी बारिश हो रही है यार आज सुबह से। सो गाइज हमने ना 80s हाउस का प्लान बनाया, वहाँ पे केक काटेंगे। और मेरे साथ है अभी रिया और दिशा, ये दिख नहीं रही है क्योंकि अंधेरा हो रखा है यहाँ पे। मम्मी पापा और मुकुल दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। तो गाइज चलो चलते हैं। बस 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 गाइज ये देख लो, मैं ये ले लेके घूमता हूँ साथ में अंधेरे के लिए। सो गाइस देख लो बारिश की वजह से ना बाहर कोई भी नहीं बैठा, सारा माहौल खराब। हमने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, देखो कीचड़ कीचड़ इतनी हो रखी है ना, कुछ नहीं कर पाया आज प्लान। हम ठंड लग रही है भाई बहुत ज्यादा। फोटो लगवा दी केक के ऊपर क्या भाई साहब? ये वैसे थोड़ा उबड़ खाबड़ हो रखा है ना। अच्छा ये चैनल वाली डिप्पी लगवा दी है, कैसा लग रहा है केक? आपको कैसा लग रहा है केक? भाई बहुत मस्त लग रहा है, पता क्यों? यहाँ पे यूट्यूब भी लिखा हुआ है। तो चलो केक काटते हैं फिर। केक वैसे काफी अच्छा है, तू काट आ जा। काटेगी? आजा इस साइड आ जा। आ जाओ आ जाओ जो जो। अच्छा पहले ऊपर वाला काटे नीचे वाला काटे? ऊपर वाला। नहीं नीचे वाला काटते पहले, ऊपर वाला ठीक है। ये
को ये बूटी मिला। केक को ढक लो पहले। चिकी को खिलाओ पहले। देख यूट्यूब खाएगी तू भी है ना। ले खा लो यार, मेरी फोटो मत काटो यार। गाइस ये यूट्यूब खिला रहे हैं चिकी को, खुश हो जा, ये खाने का होता है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हुआ चिकी? केक वाले ने तो बोला था खाने की चीज है। सही है ये तो भाई, केक तो बहुत अच्छा है यार। मेरे मुंह पे गलत लगा दिया तुमने। पानी आ गया। चिकी खाना खा रही है। So guys, हमने खाना खा लिया है। यहाँ पे गाने वगैरह ज्यादा चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, घर जाके Q&A करेंगे। तो भाई ठंड बहुत ज्यादा लग रही है और सुबह से बारिश हो जा रही है। तो मैंने ना सुबह से बहुत कुछ प्लान कर रखा था। एक खाली ग्राउंड है जो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, चाचा के वहाँ पे केक वगैरह काटने का प्लान था और बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होने का प्लान था। मेरा प्लान था गाइस 2 बजे का, तो गाइस 2 बजे भी बारिश हो रही थी, मैंने पोस्टपोन करके 3 बजे कर दिया था। अब 3 बजे भी बारिश हो रही थी तो मैंने 4 बजे का कर दिया था। ऐसे करते करते टाइम बढ़ाते गए, बारिश अभी तक हो रही है भाई। और भाई अभी ना 8:30 हो रहे हैं और बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही। बारिश हो रही है, जल्दी अंदर लेके चल प्यार से। अभी तो 9:15 हुए हैं गाइज, और 10 बजे कह रही है चाची चाचा आ जाएंगे। 10 बजे आ जाएंगे, अभी फोन आया था, बात होने लगी थी मैं वीडियो कॉलिंग पे। डोरेमोन ये ना ऐसे कंधे बैठ जाते पता तेरे को। ओए पंजे लग रहे हैं, पंजे अगर ये कूदेगी ना तो पंजे लगेंगे भाई। बेड पे कूद गई। चाचा आ गए भाई। चाचा आप ऐसे गायब हो गए ना सेलिब्रेशन के दिन पे। ये चीज देख तू पहले, तू क्या लाया दिखा। वाओ, कोई सोच भी नहीं सकता चाचा ऐसी चीज लिया है। ये चाचा डेकोरेशन का है। शॉप है, करनी पड़ेगी। दिखाना गाइस, ये जो है ना ये डेकोरेशन की है, धार भी नहीं है इसके अंदर, मतलब नुकसान भी नहीं होगा किसी को। अब इसको कहाँ टांगोगे बताओ? इसको शायद ना सामने बिल्कुल। फिर वो दादाजी की फोटो, वो टांगूंगा। हां तो इसको ही ना वहां टांग दो। इसको तो टांग दूंगा मैं। हां नहीं नहीं नहीं, ये बीच में अच्छी लगेगी। तो गाइस अभी चाचा खाना खा रहे हैं और चाचा के खाना खाने के बाद चाची चाचा चीनू और चिकी सब हमारे घर पे चलेंगे और फिर Q&A करेंगे। चढ़ हो रखी है। ओ ये सारे शूज गंदे हो गए, देख लो भाई कितनी बारिश। मैंने ना चाचा बहुत कुछ प्लान कर रखा था, आज बम वगैरह फोड़ने, सुबह से बारिश हो रही है। गाइस जो चाचा ने बोली थी ना कि सेलिब्रेशन तो तगड़ा करेंगे 1 लाख पे, तो गाइस हमारा प्लान यही था। हमने बहुत सारे बम पटाखे ला कर रख रखे थे, इतने भटकाते ना, मतलब यहाँ पे भटकते ही रहते 1 घंटे तक। तो गाइस अब करेंगे Q&A। चाचा चाची अभी कॉफी पी रहे हैं, कॉफी कंप्लीट करके करोगे? मैं ऐसे कर ले, क्या बात होगी भाई, सब चुप हो जाओ। ग्रीवाल गेमिंग यूट्यूब, कितनी GF है, कहाँ से हो, व्हाट्स योर इनकम, पिक माय क्वेश्चंस। भाई पहले का तो आंसर ये दूंगा मैं कि एक भी नहीं, ठीक है। कहाँ से हो भाई? मैं बहादुरगढ़ से हूँ जो हरियाणा स्टेट में पड़ता है। इनकम भाई, इनकम अभी तो नहीं है क्योंकि भाई देखो चैनल अभी ग्रो हुआ है मेरा। जो इनकम होती है ना वो मंथली होती है, मंथली का भी पता नहीं है। चैनल जल्दी ग्रो हो गया, इनकम बाद में आएगी। हर्षित एक्स प्रो, आपका चैनल इतनी जल्दी कैसे ग्रो हुआ? सेकंड, आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था 100K पर एंड कंस्ट्रक्शंस भाई? लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, आपकी कितनी GF है, आपकी एज क्या है? भाई मेरे तो 13 है। भाई सबसे पहले तो मेरा चैनल भाई इतनी जल्दी ग्रो कैसे हुआ? देखो लोगों को पसंद आ रहा है तो ग्रो हो रहा है। कई बंदे मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ये कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई सीक्रेट ट्रिक है जिससे चैनल ग्रो करें, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को पसंद आ रहा है तो ग्रो कर रहा है। फैमिली का रिएक्शन तुमने देख ही लिया आज कैसा है। पापा आपको कैसे लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा। आपको कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया। आपको? बहुत अच्छा। मम्मी आपको कैसे लग रहा है? तेरे को ऐसा लग रहा है? मस्त मस्त। तेरे को? जबरदस्त जबरदस्त। लव फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से भी देख रहे, देख लो। थैंक यू भाई। ये पांचवा तो दे दिया भाई आंसर आपको। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरी एज, तो भाई मेरी एज है 23। आप सबको कितनी लग रही थी कमेंट में लिख के बताना। गेमिंग विद शिवम भाई पूछ रहे हैं हमसे कि भाई वो इज योर इंस्पिरेशन। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, इंस्पिरेशन तो भाई मेरे को किसी से नहीं आई। मुझे ना बचपन से वीडियोस बनाना पसंद है, जो मुझे पसंद है ना देखना वही मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। दूसरा भाई फुल नेम, फुल
फुल नेम किसी को भी नहीं पता मेरा, मैं सिंगल नेम यूज करता हूँ, नितेश नाम है मेरा। और व्हेन यू बाय पिटबुल, पिटबुल मेरा बहुत जल्दी आएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आ जाए या फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में आ जाए। मैं लेने के लिए ना बिल्कुल तैयार हो रखा हूँ और उसको पाल पाल के अच्छे से वर्कआउट करवा के मसल्स बनाएंगे उसके। जतिन चौहान, व्हाट इज योर न्यू डॉग नेम? भाई पहली बात तो अभी आया नहीं है तो कैसे बता दूं नाम, और जब आएगा ना तो आप ही लोग चूज करोगे, आपसे ही पूछूंगा मैं पोस्ट डाल के। तो भाई अपने हरटेग 100 भाई पूछ रहे हैं कि विच कैमरा यू यूज फॉर वाटर पार्क, प्लीज टेक माय क्वेश्चन। तो भाई वाटर पार्क में तो देखो गोप्रो यूज किया था मैंने, मेरे पास है गोप्रो हीरो 7, बहुत अच्छा कैमरा है, पानी वानी में कोई टेंशन नहीं रहती, वाटर प्रूफ है, बढ़िया। तो भाई सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन अफाक खान भाई पूछ रहे हैं, वैसे तो भाई सबने पूछा कि हंटर को हॉन्टेड प्लेस पर कब लेके जाओगे, डेट बताओ प्लीज, पिक माय क्वेश्चन। भाई मैं तुम्हारी सारी कमेंट्स पढ़ता हूँ और मुझे पता है कि तुम सबने ही बोल रखा है कि भाई हंटर को हॉन्टेड प्लेस पे कब लेके जाओगे। तो भाई मैं तुम्हें बता देता हूँ, भाई अभी जनवरी का टाइम चल रहा है तो सर्दी के टाइम उस जंगल में काफी ज्यादा धुंध हो जाती है रात के टाइम और कुछ दिखता भी नहीं है, और भाई वहाँ पे ना गिद्दड़ वगैरह और खतरनाक जानवर भी रहते हैं, खतरा ही है जाने में। अभी कुछ दिनों में मौसम साफ हो जाएगा तो वैसे ही हंटर को हॉन्टेड प्लेस पे लेके चले जाएंगे। आप जितना एक्साइटेड हो ना हंटर का रिएक्शन देखने के लिए उतना ही हम भी एक्साइटेड है। अर्पित व्लॉग्स भाई पूछ रहे हैं आप वैष्णो देवी कब जाओगे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन, आपके 100K होने वाले हैं। तो भाई 100K तो हो चुके हैं, थैंक यू सो मच 100K करवाने के लिए। और भाई वैष्णो देवी मम्मी बताएगी कब जाएंगे, मम्मी कब जाओगे? सर्दी के बाद। भाई अभी ना पता है तुम्हें वैष्णो देवी में भगदड़ वगैरह मच गई थी तो उस सीन को देख के मम्मी बोली कि थोड़ा रुक के चलते हैं सर्दियों के बाद, तो सर्दियों के बाद जाएंगे। इलेक्ट्रो गेमर्स भाई पूछ रहे हैं कि पहले तो आपके पास कौन सा फोन है? तो भाई मेरे पास अभी वन प्लस का फोन है और जल्दी मैं इसको चेंज करूंगा। दूसरा, आप पिटबुल लोगे उसका नाम क्या रखोगे? भाई नाम आप लोग ही रखोगे उसका। और भाई तीसरा, गेमिंग चैनल बनाओगे या नहीं? जो भैया है ना बड़ी अच्छी गेमिंग करते हैं, खेलते हैं ना, जब सारे देखने लग जाते हैं भैया बहुत अच्छा खेलते हैं। तो गाइस तीसरा क्वेश्चन है कि गेमिंग चैनल बनाओगे या फिर नहीं? भाई देखो ये बात तो है, गेम्स खेलना बहुत पसंद है, गेम बहुत खेलता हूँ मैं, GTA 5 BGMI, पर भाई जो GTA 5 के रोल प्ले वगैरह मतलब गेमिंग तो बहुत करी है भाई मैंने, और रात तक बैठते हुए करी है भैया। GTA 5 तो मैंने भी निको बहुत ज्यादा खेला है भाई, GTA 5 का निको हिट ना कर। भाई एक चीज और बताता हूँ, जो GTA San Andreas था ना उसको मैंने पूरा एडिट मारा था, मॉडिफाई किया था और अपने नाम से गेम बना लिया था पूरा GTA निको सिटी, मतलब उसमें बर्फ वगैरह लगा दी थी, कैरेक्टर्स चेंज कर दिए थे, मोड वोड लगा दिए थे, मतलब गाड़ी वाड़ी चेंज कर दी थी, अपने चेहरे का ही प्लेयर बना दिया। भाई अभी मैं फिलहाल GTA 5 बहुत खेलता हूँ, मजा आता है खेल, और नई नई चीजें करता हूँ भाई, मोड वोड लगा के और बढ़िया खेलता हूँ। अगर आप गेमिंग चैनल खोलोगे तो कौन सा गेम खेलोगे? अगर मैं खोलूंगा ना तो GTA 5 सबसे पहले खेलूंगा मैं, बहुत सारे गेम्स है पर सबसे पहले GTA 5। तो भाई एक और क्वेश्चन है, अनमोल गेमर्स भाई पूछ रहे हैं कि आप गेमिंग चैनल कब ओपन करोगे? तो भैया बोर्ड बज जाएगा, हम तीनों खेलेंगे ऑनलाइन गेम्स। तुम क्यों एक्साइटेड हो रहे हो इतना जब यार? मजा आता है क्या? हां मजा आता है। क्या मजा आता है मेरा देख के? आप बहुत अच्छा खेलते हैं इसलिए। गेम प्ले अच्छा है। भाई अगर मौका मिला ना कभी दिखाऊंगा तुम्हें कैसा गेम खेलता हूं मैं। तो गाइस एक क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर करना चाह रहा था, भाई ने ना Q&A में तो पूछा नहीं है, कमेंट में पूछ रखा है। तो भाई प्लैटिनम गेमर्स नाम है भाई, एक क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई। भाई जब तुमने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था फैमिली ने रोका नहीं क्या कि कहां जा रहा है सारे दिन? पापा मम्मी ने तो रोका नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बोला मुझे, पर ना कई रिलेटिव्स हैं जिनको ये लगता है कि भाई मैं ऐसे ही बिना बात का घूमने लग रहा हूँ, और मतलब मेरे को ना क्रिटिसाइज भी किया कि भाई पूरे दिन ये करता रहता है वो करता रहता है, मतलब अगर ऐसे वीडियो बनाए तो दुनिया वीडियो बनाने लग जाए। तो भाई बहुत किया था और बहुत बुरा भी लगा था, और भाई कई तो अभी भी कहते हैं किसी के कुछ भी कहने पे भी तूने हिम्मत नहीं आ रही फिर भी लगा रहा, नहीं तो कई लोग हिम्मत तोड़ जाते हैं यार ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। राजस्थानी गैमर, 1 मिलियन कब होगा भाई? अब वेट नहीं होता, निकू गैंग ओपी। तो भाई अभी तो 1 लाख से ऊपर की गैंग हो चुकी है हमारी, अभी 1 मिलियन गैंग का टारगेट रखें? बिल्कुल रखेंगे भैया, आपका प्यार मिलता रहा तो जल्दी हो जाओगे भाई। कैमरे के सामने आते तुम ऐसे क्यों हंसने लग जाते भाई? देव भाई पूछ रहे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है रहने के लिए? तो भाई फेवरेट जगह तो भाई यही है, अभी जहाँ रह रहा हूँ ना यहीं पे पैदा हुआ हूँ तो भाई यहीं पे मन लग रहा है, यही फेवरेट जगह है मेरी। जन्मभूमि से ज्यादा फेवरेट जगह किसी की हो ही नहीं सकती। और भाई शुभ मिश्रा भाई पूछ रहे हैं आपके चाचा से आप कितना प्यार करते हो? भाई देख लो साथ बैठे हैं, तुम्हें पता ही है यार वीडियोस देख तो यार पूछने वाली बात है, तुम वीडियो में हमारा प्यार तुम्हें अलग से दिखता होगा। 11:30 हो रखे हैं रात के और चाचा बालाजी से आया, थके आ रहे, माउंट आबू से आया हूँ, बिना आराम करे यहाँ पे आके बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो देख लो गाइस कितना है। क्या वो आपके सगे चाचा है? बिल्कुल भाई सगे चाचा है। भाई तुम्हारा घर बहादुरगढ़ में कहाँ है? अभी जहाँ पे हम रह रहे हैं ना ये हमारा घर नहीं है, हम रेंट पे रह रहे हैं क्योंकि हमारा घर बनने लग रहा है, हमने ना घर तोड़ के बनाया था तो इसलिए हम रेंट पे रह रहे हैं, और जब
जब वो बन जाएगा तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे वापस। तो अभी हम नई बस्ती में रह रहे हैं बहादुरगढ़ में। स्केलेटन गोड भाई पूछ रहे हमसे कि आपकी शादी हो गई क्या? तो भाई नहीं। और आप किधर रहते हो? भाई मैं बहादुरगढ़ में रहता हूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं? पापा तो भाई जो राशन का डिपो होता है ना वो डिपो होल्डर है, डिपो होल्डर जो एसोसिएशन होता है ना उसके प्रधान है। मम्मी कुछ नहीं करती, मम्मी हाउस वाइफ है। भाई इनकम आएगी ना तो इनकम भी बताऊंगा भाइयों को। भाई हुबनो बीसी के पूछ रहे हैं, आपको 8K से देख रहा हूँ भैया, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे अगर मिलना है तो कहाँ आना है? कोंगो 400K सर। भाई मेरे से अगर मिलना है ना बहादुरगढ़ में गाइज नियर पावर हाउस नई बस्ती के पास में आ जाना, मेरे बारे में पूछ लेना, कोई भी बता देगा आपको तो मैं वहां मिल लूंगा आपसे। टॉप किल फैक्ट्स पूछ रहे हैं कि ब्रो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है और मूवी भी। तो भाई फेवरेट सॉन्ग की तो बात ये है, मैं ना स्पेनिश वगैरह ज्यादा सुनता हूँ, जो पसंद आ जाता है ना वो सुन लेता हूँ। तो भाई मूवी एक तो इंसेप्शन बढ़िया लग रही थी मुझे, वेब सीरीज में स्क्विड गेम अच्छी लगी, उससे पहले मनी आयश अच्छी लगती थी, तो स्क्विड गेम से कोई अच्छी आएगी तो वो अच्छी लगने लग जाएगी। अमन यादव भाई पूछ रहे हैं, आप एंड आपके चाचा एक साथ क्यों नहीं रहते? साथ रहोगे तो वन ऑफ द स्वीट फैमिली बन जाएगी। भाई पहले साथ ही रहते थे, जहाँ हमारा घर बन रहा है ना वहाँ पे ना थोड़ा इशू हो गया था, यहाँ पे प्रोजेक्ट चालू हुआ था गवर्नमेंट का, घर का कुछ एरिया ना प्रोजेक्ट में आ गया था और जिससे ना चाचा को कहीं और रहना पड़ा और उस घर को तोड़ दिया हमने और वो घर दोबारा से बनाने लग रहे हैं, नहीं तो पहले हम सब साथ में ही रहते थे। इट्स एसपी गेमिंग पूछ रहे हैं कि आपकी कितनी जीएफ है? भाई इसका आंसर मैं दे चुका, और कौन से ब्रांड का कच्चा पहनते हो? भाई ये भी कोई सवाल हुआ। भाई मैं क्या बताऊं कौन सी ब्रांड का पहनता हूं, मैं ब्रांड देख के तो खरीदता नहीं, बस कंफर्टेबल होना चाहिए। आपकी कितनी सिस्टर है? मेरी भैये की सिस्टर है सगी, और बाकी ये मामा की लड़कियां हैं, दिशा, भावना, एकता, नेहा, भूल गया ना यारी, चीकी। इसका तो भाई इसके ये तो हर एक वीडियो में दिखते हैं, इसलिए भूल गया ना, सॉरी, ये शांति से लेट गया। हां चीकी, रिया, बाकी मामा की लड़कियां। कुणाल साइकिया पूछ रहे हैं मेरे से कि भाई ब्रो आपके यूट्यूब चैनल पर ग्रोथ इतनी तेज कैसे हो रही है? भाई मैं डेली अपने चैनल को बोनविटा पिलाता हूँ और रात को प्रोटीन पाउडर दे के सुलाता हूँ, इसलिए सुबह पड़ जाता हूँ। भाई देखो मजाक की बात अलग है, तुम पसंद आ रहा है तो ग्रो कर रहा है, नहीं आता तो नहीं करता। तो भाई यश शर्मा 12N, भाई आपकी मोटिवेशन कौन है यूट्यूब पे? यूट्यूब खुद एक मोटिवेशन है मेरे लिए, जो वीडियो डालने के लिए अलाउ करता है किसी को भी। आप अपना गेमिंग चैनल कब खोल रहे हो? खोल लेना भाई, गेमिंग के लिए सब एक्साइटेड है भाई। गाइज कमेंट करके बताओ मेरे को गेमिंग चैनल खोलना चाहिए या नहीं चाहिए। बाय द वे मैं आपको आपके 500 सब्सक्राइबर से देख रहा हूँ, तो भाई हाँ मैंने भी आपको देखा है पहले भी कमेंट्स में, तो थैंक यू सो मच भाई, 500 सब्सक्राइबर्स थे तब से देख रहे हो आप और अब 1,00,000 हो चुके हैं, थैंक यू सो मच यश भाई। तो भाई बलजीत सिंह राणा भाई बोल रहे हैं, निक्कू भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एके गेमिंग भाई पूछ रहे हैं कि निक्कू भाई हाउ इज योर मदर नेम, मतलब मम्मी का नाम पूछ रहे हैं। मीना नाम है मम्मी का। मैं मम्मी और रिया नाम के पीछे कुछ भी नहीं लगाते, पापा लगाते हैं। पापा का नाम है अनूप सिंह, चाचा का नाम है गाइज ओम प्रकाश, हम बोलते हैं चाचा को ओपी और चाचा को छंगे भी बोलते हैं, क्योंकि चाचा की जैसे ऋतिक रोशन का अंगूठा है ना जिसके दो अंगूठे हैं वैसे सेम है चाचा का। चाचा का नाम मीनाक्षी, मम्मी का नाम मीना। और भाई तुम में से जिसके भी क्वेश्चन पिक नहीं किए ना मैंने उसके लिए सॉरी, वैसे मैंने तुम सबकी कमेंट्स पढ़ लिया है और तुम सबके नाम वाम सब देख लिया मैंने, ये मत सोचना कि इग्नोर ही कर दिया, तुम समझ सकते हो भाई क्वेश्चन भी गाइज सेम ही थे। कुल मिला के Q&A की क्वेश्चंस जितने भी थे ना सबका जवाब दे चुका मैं आपको। तो गाइज यही था आज की वीडियो में, और सेलिब्रेशन आपने देख लिया, हमारी गैंग में 1,00,000 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू अपने भाई से जुड़ने के लिए। देख लो भाई 12 से ऊपर टाइम हो रखा है, 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं। हमने 1,00,000 सब्सक्राइबर होने की इतनी खुशी है कि हमारी किसी की भी आंखों में नींद नहीं है, चिकित्स हो गई है। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तुम्हारे भाई का चैनल है निकू का। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।